लिए औरंगजेब के नए अवतार पैदा हो गए हैं जो कहते हैं वरासत टैक्स लगाएंगे। क्या आप जजिया कर देंगे क्या स्वतंत्र भारत में? लेकिन ये जजिया कर आपसे वसूली करना चाहते हैं। कमाई आपके बाप दादा करेंगे, आपके पूर्वजों ने कमाया होगा, अब लूटने के लिए कांग्रेस सपा के लोग आएंगे और कहेंगे तो हमारा वरासत टैक्स हो गया, आधी प्रॉपर्टी पे जबरन कब्जा कर देंगे। बहनों और भाइयों, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में विरासत को सम्मान और आपकी आस्था को सम्मान देने वाली भाजपा की सरकार है और दूसरी तरफ कांग्रेस सपा और बसपा के नेतृत्व की सरकार जो कहती है हम वरासत टैक्स लगाएंगे। यानी ये औरंगजेब के नए अवतार पैदा हो गए हैं जो कहते हैं वरासत टैक्स लगाएंगे। जैसे औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था ना हिंदुओं पे, क्या आप जजिया कर देंगे क्या स्वतंत्र भारत में? लेकिन ये जजिया कर आपसे वसूली करना चाहते हैं। कमाई आपके बाप दादा करेंगे, आपके पूर्वजों ने कमाया होगा, अब लूटने के लिए कांग्रेस सपा के लोग आएंगे और कहेंगे तो हमारा वरासत टैक्स हो गया, आधी प्रॉपर्टी पे जबरन कब्जा कर देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या ये देश स्वीकार करेगा? बहन और भाइयों, ये आपके हक पर डकैती है। दूसरा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब 1950 में देश का संविधान देश को समर्पित किया तो संविधान बनाते समय उन्होंने एक बात का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था धार्मिक आधार पर देश के अंदर आरक्षण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, क्योंकि यही कारण देश के विभाजन का बना था। लेकिन आज कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से फिर से भारत के विभाजन की आधारशिला रखने की कुछ चेष्टा की है। वह कहता है कि पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण का एक हिस्सा काट करके हम मुसलमानों को दे देंगे, अनुसूचित जाति के आरक्षण का एक हिस्सा काट करके मुसलमानों को दे देंगे। यानी जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते थे ठीक उसके विपरीत कांग्रेस और सपा के लोग कर रहे हैं। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या बहनों और भाइयों, ये देश को नुकसान पहुंचाने की साजिश के तहत कांग्रेस और सपा के लोग फिर से साजिश रचने लग गए हैं।